देखिए भाई, जंगल में शेर और पिक्चर में अनुपम खेर एकदम कड़क रहते भाई सब। आप बात कर रहे हो? जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं कार्तिकेय 2 फिल्म के टीजर की। अब देखिए, फिल्म का ट्रेलर 28 जून को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया था और इसका हिंदी टीजर आज रिलीज हुआ है, जिसकी कास्टिंग, बीजीएम और विजुअल्स एकदम बढ़िया हैं, जिसे देखकर आप ये भी कह सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और हाँ, एक और बात, कार्तिकेय 2 2014 में आई कार्तिकेय का सीक्वल है। देखो, कार्तिकेय फिल्म कंटेंट के मामले में बढ़िया थी। यह फिल्म एक बंद कार्तिकेय मंदिर के इर्द गिर्द घूमती थी और वो मंदिर कुछ लोगों की मौत की वजह से बंद था और लोगों की मौत सांप के काटने से होती थी। जो कोई भी इसकी जांच करता था वो खुद भी मारा जाता था। मतलब फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाला था, तो उस हिसाब से अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पिक्चर में भी हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। यहाँ के नहीं कैमरा है और इस कैमरे ने आपके अंदर के कलाकार को पहचान लिया है, सही कह रहा हूँ मैं? और एक और बात है, दोनों फिल्म्स के डायरेक्टर और राइटर सेम हैं। क्या? जी हाँ, दोनों फिल्म के डायरेक्टर चंदू मुंडेती ही हैं। टीजर में अपने को सस्पेंस और थ्रिलर भी देखने को मिला है, और सस्पेंस मिस्ट्री तो इतनी है भाई सब इस बार टीजर में कि साला 8 से 10 बार देखने के बाद भी मेरे को ठीक से समझ नहीं आया। और अच्छी बात है, जो समझ में नहीं आया तभी तो सस्पेंस बरकरार रहेगा और उत्सुकता और बढ़ेगी इस फिल्म को देखने की। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। बाकी बात करें इस टीजर की, तो पिछली फिल्म की तरह ही इस फिल्म में भी मंदिर वाला झोल है गुरु, और इस बार मेरे को अपने निखिल भैया पहाड़ों पर भी दिखे, शायद महादेव से मिलने जा रहा है लड़का। क्या लगता है आपको, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अनुपम सर भी हैं इस मूवी में और उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसकी डबिंग मेरे हिसाब से थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी बढ़िया है। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को 8 से 10 लोगों तक भी और पहुँचाइए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।